नमस्कार, मैं हूं फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमने सुबह खबर की थी, एक कार्यक्रम किया था, उसमें हमने कहा था कि आज बाल ठाकरे महाराष्ट्र में दूसरे चरण है उस है मंत्री पद की शपथ का, उसमें शपथ ग्रहण करेंगे। करीब 10 मंत्री NCP के होंगे, 10 शिवसेना के होंगे, 3 राज्य मंत्री होंगे और 10 मंत्रालय कांग्रेस को सौंपे जाएंगे। यह बात सामने आई थी और मैंने यह भी कहा था कि कांग्रेस को इसको लेकर कोई विरोध नहीं कर रही है, सहर्ष स्वीकार कर रही है इन सब बातों को, लेकिन यह बात अब कहीं ना कहीं गलत होती साबित हो रही है। अब कांग्रेस को विरोध है, जब मंत्री पद का बंटवारा हो चुका है, हो रहा था, तो कांग्रेस ने वहां आपत्ति जताई है। उन्हें जो मंत्रालय चाहिए थे शायद वह मंत्रालय प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस संबंध में अब कांग्रेस क्या विरोध करेगी, क्या गठबंधन को आँच आएगी, यह देखने वाली बात है आने वाले समय में। लेकिन इस दौरान हम बता दें कि महाराष्ट्र में राजस्व मंत्री हैं बाला साहेब थोराट, उन्होंने इस बात का खुलासा करने से इनकार कर दिया था कि कौन कौन सी पार्टी कौन कौन से मंत्रालय चाहती है। लेकिन अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आकर के यह बात स्पष्ट की है और उन्होंने कहा है कि उन्हें 2 मुख्य विभाग चाहिए थे, उसमें पहला है ग्रामीण विकास, सहकारिता और कृषि में से एक हो, ताकि पार्टी ग्रामीण इलाकों में अपना वर्चस्व बना सके। तो उनका कहने का मतलब है कि जो ग्रामीण विकास और सहकारिता और कृषि से संबंधित जो मंत्रालय है वह कांग्रेस को दिया जाए, ताकि वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना वर्चस्व बना सके, वहां भी लोगों को संबोधित कर सके और अपनी योजनाओं को और अपनी पार्टी को बढ़ा सके, विस्तार कर सके। यही एक कारण हो सकता है पार्टी का। और दूसरा है हाउसिंग या इंडस्ट्री में से कोई ये विभाग चाहिए, उन्हें हाउसिंग का विभाग चाहिए या इंडस्ट्री का विभाग चाहिए। इन 2 विभागों को लेकर कांग्रेस में एक तनातनी है, एक उनके अंदर रोष की भावना है। वह कह रहे हैं कि ये 2 विभाग हमें दे दिए जाए, एक तो ग्रामीण विकास सहकारिता का विभाग बताया हमने, एक इंडस्ट्रीज या हाउसिंग को लेकर विभाग बताया। तो इन 2 विभागों में कांग्रेस की नजर है, वह उन 2 विभागों को चाहती है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि क्या उद्धव ठाकरे यह विभाग कांग्रेस को दे देते हैं। अब यहां भी समीकरण बनते नजर आएंगे, अपने ध्यान दीजिएगा। यदि उद्धव ठाकरे इन विभागों को नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं अब यहां पर एक लालच की भावना दिखाई देगी, या फिर कांग्रेस इन विभागों पर अड़ी रहती है तो उसकी भी लालच की भावना स्पष्ट होगी। फिर यहां से जनता का रोल बिल्कुल अलग हो जाएगा। जो सरकार जनता के हित के लिए आई थी, और जब वह खुद मंत्रालयों पर लड़ जाएगी, और मंत्रालयों का हिसाब क्या बैठता है, यही कि हमें अपना वर्चस्व बढ़ाना है, अगले दल से आगे जाना है, कितना हम अपना विस्तार कर सकें, यहाँ जनता का विस्तार पहले सोचनीय है। यदि गठबंधन हुआ है और आपस में मिलकर ही आप मंत्री पद को बांट लेते हैं तो इसमें यह बात सामने नहीं आनी चाहिए कि हमें यह मंत्री पद चाहिए या उसे वह मंत्री पद दिया जाएगा, क्योंकि मंत्री पद के द्वारा ही जनता का विकास होना है, उनके लिए योजनाएं सुनाई जानी है। तो इस वक्त कांग्रेस कहीं ना कहीं अड़चन कर रही है, तकरार सामने आ रही है। आगे देखने वाली बात होगी क्या यह मंत्रालय दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं। इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है, क्या कांग्रेस यहां पर तनातनी कर रही है या शिवसेना कांग्रेस के साथ अच्छा नहीं कर रही है, मतलब बुरा कर रही है, उनके मन के मंत्रालय नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका लाइक भी बहुत महत्वपूर्ण है, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।